मुझको मिले कोई सोचो मैं छुप छुप के मुझको मिले कोई सोचो मैं छुप छुप के मैं भी खुद में गुम हो जाऊं I tell you मुझको भी लगता है ऐसे It's all about love It's all about love यही तो पता करने आए हम कि उन पर सवारी आती है नहीं आती फ्रॉड नहीं करती है वो ये आत्मा मुझे अभी यहाँ नजर आई है तुम्हारा क्या मसला वो मैं आपको तब बताऊंगी जब आप सवारी आएगी सही है तो आप मेरी भी चौकी लगवा दें मैं बता रही हूँ नारकली के अब्बा ये किसी बुरे चक्कर में फंस रही है इससे सीधा सीधा ये पूछो कि हमारी जिंदगी में ये मकान अपने नाम क्यों लगवाना चाहती है हारे करने क्या होता बंदा तमीज से आप जनाब कहकर भी तो बात कर सकता है ना तुम्हारी जोरू बनेगी हमारी अम्मा तुम्हारे को अदब तमीज समझा रही है पहले मैं इसको एटिकेट से खाऊंगी उसके बाद मैं इससे शादी करूंगी तो तू बात आगे नहीं बुलाना चाहती तो आज के बाद दो तीन कदम ना मैं तुझे तौल तलूंगा ना मैं दिल तलूंगा खुदा पे ओए सुनो तो हेलो हेलो चल तारा जल्दी कर ले लेट हो रहे हैं हम फूल फूल देखो फूल ने सारी मिठाई झूठी कर दी हाँ ये क्या कर दिया तुमने क्या किया ऐसा कर अंदर से छुरी लेकर आधी आधी काट ले और क्या कर सकते हैं अब हम चौकी लगवाने आया फूफो कुछ चौकी लगवाना था तो तुम्हें नजर नहीं आता है इंसान किसी की चीज खाने से पहले पूछ तो लेता है ना अरे पूछा हुआ ना छोड़ो है बहुत मजे की वैसे इतना बन ठन के तुम लोग जा कहाँ रहे हो तुम्हें बताया था ना अनारकली के रिश्ते के लिए वहीं जा रहे हैं मैं और जुगनू आज ना ही तू मैं बाज आने वालों में से हूँ भी नहीं आज इंशाल्लाह बात पक्की होगी और डेढ़ महीने बाद तुम्हारे सामने उसे इस घर में दुल्हन बना के लाऊंगी मैं भी देखती हूँ ना तो कैसे ये रिश्ता बनाती है, है? तो चल ना आगे आगे मैं पहुँचती हूँ पीछे मैं तुझे बता रही हूँ अगर तू वहाँ आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बस मैं कह रही हूँ तुमसे बुरा तो कोई है भी नहीं कमबख्ती मारो जाओ 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 मैं अब आज कहाँ वहाँ पहुँच सकती हूँ लेकिन मैं फिर भी वहाँ होंगी ये चल तारा इसकी चिक चिक से ना सारा मूड खराब हो गया चला चले इस घर में से अच्छे काम के लिए जाओ तो मजा ले वो काम हो जाए जाओ 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 पत्ता तो मैं फेंक कर आई गई हूँ और इस कमबख्ती मारी की लच्छेदार जुबान में कहीं गुलनार हाँ ना करते अब्बा की चुप का क्या किया जाए यार शायद इतनी तकलीफ में अब्बा तो काम करती हूँ हुमायूं तोतले को फोन करती हूँ क्या पता वो कोई हल बता दे सुबह भी नाराज हो गया था तो उठा भाई हो ये तो हुमायूं सईद से भी बड़ा हीरो निकला है फोन ही नहीं उठा रहा क्या करूंगी मैं इससे ज्यादा जरूरत तो इसके मैसेजेस हैं अगर इसने मैसेज करना बंद कर दिए तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी क्या करूं यार सोचती हूँ कुछ सुल्तना के अंदाज से मैं गुलनार को अनारकली के रिश्ते के लिए मना कर सकती हूँ पर नहीं आज मैं कट्टो से मिलती हूँ छन्नो के अंदाज Thank you.
बड़ी मजे की मिठाई है, कहाँ से ली है? अब इस बात को छोड़ो खाला, वजह नहीं पूछो कि हम क्यों लेके आए। ये भी बहुत मजे की है बर्फी, ये खाने दे पहले। खाए जा रही हूँ, पूछोगी नहीं खाला लेके क्यों आए? अब खुद ही बता दो, अब टीवी चैनल की तरह माइक लेके तो पूछ नहीं सकती, बताओ वजह। संदूक को सही के ससुराल मिले क्या? आप ये कह रहे हैं कि हम अपने सुल्तान के लिए तुम्हारी अनारकली का रिश्ता लेने आए? क्या क्या बकवास है ये खाला? क्या हो गया खाला? मिठाई अच्छी नहीं है, हम क्या किसी लफंगे का रिश्ता लेकर आ गए हैं जो तुम इतना गुस्सा करी खाला? नहीं नहीं, वो मैं चाहती हूँ कि जरा अनारकली के अब्बा से पहले बात कर लूँ, मैं जरा फोन करके आती। आप लोग बैठो, बात तो सुनो खाला, पहले मैं उनको तो सुना लूँ, आती हूँ फोन करके। अबे किस तरह चपड़ चपड़ सारी मिठाई खा गई, उस वक्त बात नहीं की हैं? भाई तारा, अपनी दाल गलती नजर नहीं आ रही मुझे। तुम्हारा मुंह अच्छा है ना, खुदा के लिए बात भी मुझसे अच्छी निकाला करो। मैंने आज हर सूरत ना जुगनू रिश्ते के लिए हाँ करवा के जाना है। आए, 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 ए, ए, बेटा जरा धक्का मार। आए, 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 आए भैया। जी अम्मा। ए, अम्मा किसका बोल दिया तूने? चन्नो हूँ मैं, चन्नो को ना जाना है तू? कौन चन्नो? वही जिसमें सवारी आवे। भाई मैं नहीं जानता। हाय हाय, सारा साल से सवारी आए छन्नो पे है? और तू जाने ही ना उसको। मसला बताया आपको, उनके घर पे जाना है क्या? नहीं नहीं, छन्नो तो मैं खुद हूँ। फिर मारे को तो कट्टो के घर जाना है। कट्टो वो जो हुमायूं सईद से अफेयर चल रहा है जिसका? हाँ वही। वो तो तीसरी गली में, यहाँ से सीधा जाए आप तीसरी गली में उल्टे हाथ पे, उसका घर है। चल जरा मेरी कुर्सी ले जा, हैं वहां तक ले जा मुझे। चले आप। चल आए। बिस्मिल्लाह। आए। इसपे अकेली कैसे आ गई यहाँ? बस देख लो। पीछे तो पहाड़ भी था एक। अच्छा यहाँ से खुद ही पिसल लिएगा। मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है यहाँ से। अरे आगे आगे तक छोड़ा। अरे यहाँ से तीसरी गली है, कुत्ते वुत्ते होते हैं, मैं जा रहा हूँ। अच्छा आए। लो जी, आगे अनारकली के अब्बा, अब कर लो इन्हीं से बात। अस्सलाम वालेकुम। पहले ये बताओ तुम मुझे कि तुम्हें उस वेटर की औलाद ने रिश्ते के लिए तो नहीं भेजा बिलिच लगा के? अरे उससे कहना अपनी औकात देखे औकात, इतना मारूंगा कि याद रखेगा वो। ये उनके यहाँ से नहीं आई, ये अपने भाई सुल्तान का रिश्ता लेके आई है छन्नो आपा के यहाँ से, जानती हूँ इन्हें मैं। अरे मिला लो ना यार, माफ करना यार, वो मेरा मतलब ये था कि असल में वो जो वेटर का जो बच्चा है ना कमबख्त, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो चाचा अच्छा मुझसे मेरी लौंडिया का रिश्ता मांग दिया है, और वो कीमे से कीमे की लौंडिया का रिश्ता मांग दिया है ब्लीच लगा के। मगर आपने तो आते ही हमें ब्लीच लगा के लगा दी ना बातें। तो वो तुम तुन्तुने शाह के भतीजे हो? अच्छा, तो तुन्तुने शाह यहाँ भी पहुँच गया? यही जाती है भाई, मैं तो जाता ही नहीं हूँ, बल्कि मैं तो ये बाबा शाह में जितने हैं ना इनको पसंद ही नहीं करता हूँ। और असल ब्लीच जो है ना यही लोग लगाते हैं बाबे शाबे, मैं तो ये पसंद भी नहीं करता ना भाई ब्लीच लगाना। हाँ वो लोग तो ब्लीच लगाते हैं, लेकिन हमारी छन्नो फूफो है ना, वो लोगों को चूना लगाती है चूना। अरे आप लोग खड़े क्यों? बैठ जाओ। कुर्ती काय के लिए मैंने मंगवाई है? बैठे। हाँ और चाय गर्म कर लो, सुबह की जो रखी हुई है, मेहमान आए भाई। हाँ शाबाश। और भैया ये क्या मिठाई छिठाई? भाई वाह 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 वाह, क्यों तकल्लुफ किया भाई इसका? अच्छी क्या बात थी, हम यहाँ चलो अब चाय के साथ पिया ना। आना आए, यहाँ कौन मारे को देख रहा है? चलो भाई चलो। अरे क्या जी, वो कट्टो को जाने हैं तो? कट्टो वही हमारी सईद वाली कट्टो? हाँ वही हमारी सईद वाली कट्टो।
आगे गली में जाकर ना तीसरा या चौथा मकान है उसका। बड़ा शुक्रिया तुम्हारा कि तुम कट्टो को जाने हो। मशहूर हो गई तू। कट्टो मेरा बच्चा क्या हुआ? कट्टो कट्टो उठो बेटा, कट्टो बेटा, कट्टो। उलुड्डी हो जमालो, उलुड्डी हो जमालो, टिन 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 लगा रखी है। इसने कहा था अलमारी पे छोड़ो, क्यों चढ़ी? कहाँ गई? ओए, ओए, इस वजह से चढ़ी है? मेरी बेटी। कैसे सीधे खड़े हो गए? बेटी, मेरा कितना ख्याल रख। अरे मैं भी तो, ओए। शाबाश, जीती रहे मेरा बच्चा। लो जी चुप ठीक हो। क्या करूं बिच्चू या फुफ्फो से घर जाके बात करूं? आखिर किस बात को उन्होंने कहा कि तारा और जुगनू उनको घर से निकालना चाहते हैं? कुछ ना कुछ तो चल रहा है, आज जुगनू भी नहीं आया। चल मंजिले घर चल, कहीं सुसरे मिलके फुफ्फो के साथ कुछ उल्टा सिद्धाना कर देवे। चल देखे, ये जो आपने अपने भाई के बारे में बताया या जो बातें आपने उसके लिए की, वो छन्नो फुफ्फो ने भी सुनी होंगी और तुम तो निशा ने भी सुनी होंगी। ने अपना तमतना बीच में बजाना शुरू कर दिया। ओफो, जरा मेरी बात सुनो, दो मिनट के लिए उठो ना। क्यों, मेहमान आए हुए हैं, खामा खा इनके क्या सोचेंगे ये? मशवरा भी करना होता है ना, हम लोग मशवरा करके जरा आते हैं। हम जरा भी आए, ये मिठाई है यहाँ पे अकेली रखी हुई है। क्या मसला है बता मुझे? मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। तुन्तुने शाह यहाँ आया था, छन्नू आपा सवारी में यहाँ आई थी। मुझे तो लगता है वो यहाँ आके पहले गंद कर गई है। ये फुप्पो बाज आने वालों में से नहीं है। ये सवारी आ जाए किसी दिन मेरे सामने, उसी सवारी में बैठ के देखना, दुकान चला जाऊंगा, बता रहा हूं मैं। वो तुन्तुने शाह ने मुझे बताया है कि तुम्हारी लड़की किसी चक्कर में है। हाँ? और किसी खतरनाक बड़े चक्कर में। हाँ? लड़की किसी को पसंद करती है, बल्कि दोनों एक दूसरे को पसंद करती है। अब समझा मैं, इसका मतलब यह है कि वो उसका भाई जो है ना, वो हमारी लमडिया को चावे है। हाँ, मगर हमारी अनारकली को नहीं चाहता, बल्कि उसकी नजर हमारे मकान पर है। तभी तो मकान अपने नाम करवाने की रट लगा रखी है उसने। ये तो मकान बिकवा के छोड़ेंगे और हमें अच्छी से ब्लीच लगा के मकान से हाथ धोना पड़ेगा। हाँ? मैं तो कहती हूँ इस रिश्ते से इनकार कर दो। इनकार? बातें कर रही थी मिठाई की खुशबू। हम बातें कर रहे थे, मिठाई की खुशबू बातें कर रही थी। अब देखे भाई, बात ये है कि कुछ बातें ऐसी होती जिसके लिए सलाह मशवरा तो करना पड़ता है ना, है ना? अब जैसे शौहर को कोई बात नहीं पता, भाई नहीं पता तो बीवी से पूछ ले भाई। ये सब तो हम लोग जानते हैं, लेकिन तय क्या किया आप लोगों ने? हाँ, देखो भाई, जो तय किया ना वो भी तो बता ही रहा हूँ मैं ना आपको। देखिए, हमने ये तय किया खूब सोच विचार के कि जो बात भी हम आपसे कहेंगे, खूब सोच के हम आपको जवाब देंगे जब सोच लेंगे। मैं और सही है।
लेकिन जैसा अभी जो आप लोग गए थे मशवरा करने ब्लीच लगा के वो हाँ कल ये ना हमने कल ये बता दिया आपको जो बात तय की हमने वो बता दी कि हम आपको सोच सोच के जवाब देंगे जब भी देंगे बिस्किट गिर लो रहे ये फूफो तो अभी से मेरी मूव कर रही है एक दफा मेरी शादी सल्लू से हो जाए निमट लूंगी इस फूफो को फूफो छन्ना आई नीचे देख जी फरमाइए हाँ मुझे ना कट्टो से मिलना है कट्टो बेटा कट्टो बेटा कोई खातून है चेयर व्हील चेयर पे क्या छन्नू पप्पू आप यहाँ पे कैसे अठारे को मिलने आये हो दरवाजा तो खोलो बड़ी खुशी की बात है बड़ा अच्छा किया आपने बता दिया ये लीजिए छन्नू पप्पू अब तुम भी लो ना बेटा मेरा दिल नहीं है तू बैठ जा बस बड़ा मजेदार शरबत बनाया तारी लड़की ने माशाल्लाह ये है ही सुगड़ बच्ची पप्पू मुझे वैसे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम इतनी दूर से अपने घर से व्हीलचेयर पर आई तो आई कैसे ए भैया तुम थोड़ा इधर उधर हो आओ ना बाजार से हैं हम सहेलियां आपस में बातें कर लेंगे अच्छा मैं ये कहने ही वाला था बेटा मैं जा रहा हूँ जरा चाय के ढाबे तक ठीक है मैं चाय पी के आता हूँ तो आप लोग सहेलियां बातें करें आपस सुनो कुछ मंगवाना है तो बता दो नहीं 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 कुछ तो हाँ मंगवानी है ना जी जी बताइए अरे पकौड़े समोसे मंगवा रहे हैं ना इसने हाँ अब्बा समोसे लेते हुए आ जाना अच्छा पकौड़े और समोसे जी लेता आऊंगा भैया यू जाओगे ना तो नुक्कड़ पे मंजिला कचौरी समोसे वाला खड़ा होगा अच्छा उसी से लेके आना उसके बड़े मजेदार होते हैं ठीक है कोई और काम है तो वो भी बता दें हाँ वापस ही आओगे तो बताऊंगी बट ठीक है मैं चाय पी के आऊं तो बाप से मिल लेता हूँ ओके हे पप्पो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बात सुन भी ली और मान भी ली कौन सी बात वही ना जो मैं तुमसे अंदर आते हुए कही थी कान में कि अब्बा को ना बताना कि मैं तुम्हारे घर पे चौकी लगवाने आई थी पर मैं तो तुम्हारे घर चौकी ही लगाने आई हूँ मेरे घर क्यों नहीं 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 मेरे घर पे चौकी नहीं लगवाने की जरूरत है भाई अब्बा को पता चल गया महल्ले वालों को पता चल गया बड़ा तमाशा बन जाएगा नहीं 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 वो सोनिया की वजह से उस दिन तूने अपने दिल की बात ना बताई तो मैं इसलिए आई हूँ यहाँ तुझसे तेरे दिल की बात पूछ के जाऊँ पप्पू क्या है ना कि मैं ना सोच समझ कर कट्टू ये इसी महल्ले की औरत है वे इतना खुलते कहीं तेरा पप्पू मैं तुमको नहीं बता रही वो जब तुम सवारी बुलाओगी ना टुनटुन की तो तब मैं उसको बताऊंगी मैं तुम्हें नहीं बता रही अच्छा चल ठीक है थारे का टेप है कवालियां हैं हाँ है होंगी अच्छा सागर ये ताकत इधर करके ना इसमें अगरबत्तियां लगा दे हैं फूल पाक होवे ना खुशबू बहुत अच्छी लगे होंगे चल जल्दी कर अच्छा ठीक है ले आती हूँ ये तो ताला लगा पड़ा वो बिना होवे और तारा भाभी बिना होवे कहीं फूफो को ले तो ना गए जबरदस्ती
मैं तो किसी को जानू भी ना यहाँ पे ढूंढना तो पड़ेगा। मैंने कट्टू कट्टू तूने अच्छा किया, चन्नो को अपने दिल का हाल नहीं बताया। ये जो औरतें हो गए है ना, ये पेट की बात हल्की हो गए है, सारी दुनिया को सबके राज बता रहे हैं। बहुत अच्छा किया नहीं बताया। अगर मेरा दिल ना मजबूत होता ना तो मैंने तो आपके आने पर चीखे निकाल के मर जाना था। चलो बता अपने दिल का हाल हमको बता। पहले पहले आप वादा करो कि जो मैं आपको बातें बताऊंगी वो छन्नो पप्पो को नहीं पता चलेंगी। झूठा लगता हूँ मैं तुझको, नहीं बताऊंगा, खोल के बता। अच्छा पहले ये बताओ कि आपका मजार कहाँ है, बताओ। ये तो हमें भी नहीं पता कि हमारा मजार कहाँ है, तू बताओ हुमायूं सेठ का दफ्तर कहाँ है। हम बाबा आपको मेरे और हुमायूं सेठ के चक्कर के बारे में पता है? पता पता बूटा बूटा हाल तुम्हारा जाने है, हमारा इरब चेहरा देख सब कुछ बता देता है। चल बता बाबा क्या है ना कि मैं ना हुमायूं सेठ से शादी करना चाहती हूँ, मगर वो ना मुझे लिफ्ट आ ही नहीं रहा। इसलिए कि वो तेरे नसीब में नहीं है, तेरी शादी उससे नहीं लिखी, कोई और तेरी जिंदगी में आएगा। कौन? एक नौजवान लंबा चौड़ा खूबसूरत जल्दी तेरे पास आएगा। मुझे नहीं चाहिए, उसको कैंसिल करा दो। मैंने हुमायूं सेठ से शादी करनी है, मैं मेरे 300 रुपए भी वापस करो, मैं मुझे नहीं कराना, जाओ जाओ, कोई फायदा तो है नहीं। अरे पैसे होते हैं चौकी पे तो मैं आता हूँ, पैसे उठाएगी तो मैं चला जाऊंगा और तेरा काम अधूरा रह जाएगा। काम करवाना है या नहीं? करवाना है। मैं भी कसम खा रही हूँ सल्लू, शादी करूंगी तो तुमसे। अबे जब तेरे घर वाले मेरी शादी पर राजी नहीं हो रहे हैं तो वो कल को मकान बेचने पर क्यों राजी होंगे? मैं शादी की बात कर रही हूँ, तुम आगे से मकान की बात कर रहे हो। क्योंकि मुझे मकान की पड़ी है। देख अनारकली, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुझसे प्यार करने से ज्यादा ना मैं फिल्मी हीरो बनने से प्यार करता हूँ। अगर मकान ना मिला ना तो फिर एक दफा कह दिया ना मकान हो जाएगा मेरे नाम, पहले शादी तो हो लेने दे, फिर जिद करने पे पिटूंगी तो नहीं ना। तो फिर क्या शादी के बाद उन्हें मारेगी, मार मार कर मकान अपने नाम कराएगी क्या? अब तो उन्होंने शादी से मना भी कर दिया है। अरे उन्होंने मना नहीं किया, अम्मी को तो छन्नो फूफो भड़का के गई है। छन्नो फूफो? हाँ, एक दफा तू बस मेरी शादी हो लेने दे, फिर तो छन्नो फूफो को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उसका तुन्तुना भी याद करे। चल बाद में बात करता हूँ। छन्नो फुफो जो है ना, ये अपना तुंतना घुमाने से बाज नहीं आती है, जहां जाती है कोई ना कोई आग लगा देती है, हमेशा बने हुए काम खराब करती है। थोबड़ी क्यों सजाई हुई है तूने? हाँ वो आएगा ना तो तुझे बहुत होश रखेगा, तो होश हो जा। भले रखे, मैं तो उससे प्यार नहीं करूंगी ना, वो अमीर तो नहीं होगा और ना ही कोई अदाकार होगा। मैंने बोला तो फिर वो बड़े बड़े अदाकारों से बड़ा अदाकार होगा और अमीर भी होगा। जब तुझसे शादी करेगा तो गरीब होगा, लेकिन बाद में बहुत अमीर हो जाएगा। बात किसने देखा है, हुमायूं सेठ तो अभी अदाकार है। जो मैंने बताया वो बता दिया, अब मैं जा रहा हूं।
और देख जो लड़का छन्नो की कुर्सी लेने आए ना उसे गौर से देखना, छन्नो को मैं घर पहुंचा दूंगा। क्या हुआ टुनटुन? तेरा मुस्तकबिल देख रहा था। अब मैं जा रहा हूं, जो लड़का छन्नो की कुर्सी लेने आएगा ना उसे गौर से देखना, गौर से। अजीब नाचने वाला बाबा देखा है पहली बार लाइफ में। तो समझ नहीं आ रही है क्या हो रही है मेरे साथ। अब आने को होंगे तो पहले ये तो समेट लो। देख लिया ना ऐसे पिटाई लगनी है मेरी तो। माँ एक बार सोच तो लो। क्या? एक बार अपने पैर तो दबा कर देखो। सर की ऐसी चपटी करूंगा कि दिमाग सुकून में आ जाए और अकल खुल जाएगी। और एक बार अकल खुल जो गई तो दिमाग की दीवार पर लगा हमारी सही की फिल्म का पोस्टर फट जाएगा। छोड़, एक बात बता, तू तो फिर से बकवास शुरू नहीं कर दी? अरे अच्छा अच्छा, एक बार मालिश करवाते हुए मेरा इंटरव्यू तो लेकर देखो। इंटरव्यू? अबे मैं क्या एंकर हूँ, ये टॉक शो चल रहा है जो तेरा इंटरव्यू। काय का इंटरव्यू? अरे वही जो लड़की वाले लड़के वाले से लेती है। अच्छा चल ठीक है फिर, ऐसा कर के तू कल आ जा पार्क पे, वहाँ बैठ के आराम से सुकून से बात करते हैं, ठीक है ना? वहाँ आके मेरी क्षमती भी कर और सारा कुछ कर। लेकिन एक बात सुन, अगर तू मुझे राजी ना कर सका तो वो धुनाई करूंगा, वो पिटाई करूंगा कि सारी जिंदगी याद रहे। ठीक है, मंजूर है मुझे, ठीक है ना? मंजूर। ठीक है भाई, चल फिर मैं चला। ठीक है फिर। अम्मा वो चाय का बिल तो देते जाओ। बेटा लानत तेरी शक्ल पे, अबे होने वाले सुसर से चाय के पैसे लेगा? नहीं नहीं मैं खुद दूंगा सुसर जी, मैं खुद पैसे दूंगा। कल मुलाकात हो। ठीक है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, बुढ़े ने माना तो सही अपना दामाद। आमीन। अबे उसकी माँ के अंदाज से तो लग रहा था जैसे वो हमसे खटक गई हो। खटकी नहीं है, खटकाई गई है। ये छन्नो फूफो का कारनामा है। चलो जी, छन्नो फूफो ने खटखटा दिया। जो लोग अभी से डेढ़ होशियारी कर रहे हैं वो लोग शादी के बाद क्या मकान मेरे नाम करेंगे? अरे सल्लू तू मकान की लालच छोड़ दे। अरे भाई आप ही समझाओ ना भाभी को, अपनी जोड़ीदार देवरानी के चक्कर में मेरा करियर खराब करने चली हैं। तुझे मैंने कहा है ना मैं अब्बा से बोल के तुझे अच्छा कैरेक्टर दिलवाऊंगी। शद्दी भाई रोल वोल नहीं दिलवा रहे, वो कब से लारी लगा रहे हैं मुझे। अरे मैं तुझसे वादा कर रही हूँ कि वो नहीं मानेंगे, मैं मनवाऊंगी अपनी बात। ओ यार ये बात थोड़ी देर के लिए खत्म कर दो यार, ये सोचो कि पप्पू ने कहा क्या होगा उन लोगों को। हाँ और ये गई कहाँ, नजर भी नहीं आ रही। लो आ गई, आग लगाऊ। मेरे मुंह ना लग। अरे सवारी में ये तो। अबे सवारी में? ओ तुंतने शाह, अब तूने मोहल्ले में भी फिरना शुरू कर दिया क्या? मैंने कहा मेरे मुंह ना लग, मैं छन्नो को छोड़ने आया हूँ, और ज्यादा बोलेगा ना तो तुझे छत पे उड़ा दूंगा। उड़ा भाई, आज पहुंचा मुझे जहां पहुंचाना है, पहुंचा। तो ठीक है, पढ़ता हूँ मैं मंत्र, अब तू चाहे छत पे जा या ऊपर, तू गिला मत करना कि तेरा शौहर मैंने उड़ा दिया। बैठ जा जुगनू। अबे तुंतने चाचा, तू हमारी जान क्यों नहीं छोड़ देता? अबे तुंतने, अबे तेरी कुर्सी कहाँ है? कट्टो के घर। अबे है तुंतने यार, मुझ में भी आ गया, वो भी कहीं जा रहा है कट्टो के घर कट्टो के। अबे नहीं यार, अबे मेरी किस्मत में हुमायूं सईद नहीं है तो फिर कौन है अल्लाह मियां? खैर कोई भी लाड़ साहब का बच्चा हो मुझे क्या, मैं तो हुमायूं सईद से ही शादी करूंगी, देख लेना। हाँ मगर
टुनटुन शाह का क्या करूं, ये भी तो बाबा है। दफा करो टुनटुन को। हमारे मोहल्ले में एक और सन्यासी बाबा है ना, हाँ सोनिया से कहकर ना उसका पता निकलवाती हूँ और उसके पास जाती हूँ और फिर ना हुमायूं सही पर सफली कराती हूँ। कैसा? कानपुर पहले सालन चढ़ा लेती हूँ, उसके बाद में सोनिया से बात कर लेती हूँ। होगा तो वो भी थाली का बैगन, मोहल्ले भर में बता देगा पेट का हल्का। और फिर ये हुमायूं तोतला कहाँ से आ गए लम्या, ये सब मुझ पर, इसे भी तो मनाना जरूरी है क्योंकि इसके मैसेज सबसे ज्यादा जरूरी है। एक काम करती हूँ, पहले ना मैं हुमायूं तोतले से बात कर लेती हूँ। किधर है मेरा फोन? ये रहा। हाँ चल बेटा हुमायूं, सॉरी अल्लाह मियाँ मैं बहुत बुरी हूँ मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ। अरे तत्तो थी तो ऑल आ ली है, इतना प्याल तलती है मुझे, कल से कितनी दफा फोन तल चुकी है, बताता हूँ कहूँगा ताली वाली की बात कर। दिल में बहुत है लेकिन कहते हुए तलमाते क्यों हो? मेरे दिल में बड़ी मोहब्बत है हुमायूं के लिए, क्या करूं जब तुमसे बात नहीं होती ना तो दिन में भी अंधेरा छा जाता है हुमायूं। जब इतना ही प्याल तलती हो तो बात फोन से आगे बुलाओ ना यार। अच्छा कैसे बढ़ाओ बात आगे? कल ताम मुझे पाल पे मिलो तो सही, मुझे पता तो लगे मेरी तत्तो तहती है। चलो ठीक है कल पार्क में मिलती हूँ फिर बात करते हैं। ओके ठीक है सही है, खुदा हाफिज। चलो एक बुला तो पहले मैं सालन चला लेती हूँ। कब से आया हूँ मैं, परेशान हो रहा था तारे लिए, ये ले कचोरी खा ले। आए वो रिश्ता लेने गए थे ना तो मैं भी चली गई रिश्ता लेने, बड़ी शिद्दत से इंतजार करी थी मैं तेरा। आज तो इतनी खुश हूँ कि खुशी के मारे भूख भी ना लगे मुझे, अब तू ले आया तो मैं खा लेती हूँ। हाँ। ऐसी कौन सी खुशी है जिसने तारी भूख मार दी? ऐ पता है मुझे, अरे वर्ष ने मैंने दुल्हन ढूंढी। मारे पास थे को बना रही है मारी जोरो कट्टो को। कट्टो? कट्टो रानी। ये सुश्री कट्टो रानी कौन है? अरे बड़ी प्यारी बच्ची है, बहुत सुघड़ है, इतना अच्छा खाना बनावे और एक और खसूसियत भी है। एक बात कान खोल के सुन ले फूफो, उसमें जितनी खसूसियतें भी होंगे ना मैंने उससे शादी बातें नहीं करनी। आई वो क्यों? मैं किसी और को पसंद करूं और उसे ही अपनी जोरू बनाऊंगा। ए देहाती तू किसे पसंद कर बैठा है? क्या तू देहाती में कोई दिल ना होवे, पत्थर कह का देहाती। कचोरी थारे वास्ते बड़े शौक से लेके आया हूँ, इन्हें थारी हो मत अब। भूरी बाजी मुझे आपसे कुछ वो मैं ये पूछने आई थी कि ये चूड़ियाँ ये मुझे मंजले ने गिफ्ट किए हैं और तुम्हें तो पता है मैं ऐसी चीजें नहीं पहनती, तो मुझे दे देना, मुझे तो वैसे भी चूड़ियाँ बहुत पसंद है। ये चूड़ियाँ मैं तुमको ही देने वाली थी। पति ये तो बहुत अच्छी बहुत प्यारी हैं। अच्छा वैसे मैं सोच रही थी कि मैं खाने के साथ सलाद बनाऊँ या रायता, क्योंकि मैंने आपके लिए आलू का भरता और आलू के That is so sweet of you. मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, खाना नहीं खाऊंगी, मुझे रेस्ट करना है। ठीक है? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ।
बस थोड़ा सा रेस्ट करना मुझे। चलो ठीक है, ये मैं लेके जा रही हूँ। थैंक यू सो मच। तुम भी सो जाना, गुड नाइट। अबे आजा बे आजा मैयूं, बेटा नाश्ता कर ले। आ बा आ दे आ आजा आजा शाबाश आजा। ओ बड़ा तर आता बरा आता तू रे आता। अब तुमको मिले थे कुछ तैना वैना तो नहीं? हाँ अबे नहीं बे नहीं, जब सब कुछ ठीक चल रही है तो मुझे तुझसे क्या कहना है। अरे नहीं वो काम ते बाले में नहीं, वैती कुछ बोलता ना। खुल के बताइयो क्या कहना चाह रहे तू। वैती मेले तो लग लगा देते तुम कुछ कहना ताले हो काफी दिनों से। अबे नहीं भाई नहीं, मुझे क्या कहना होगा, क्यों पूछ रहा है तू। अब्बा वो मिली दादी वाली के तिलतिले में लंडा जवान हो गया। तू फिक्र ना कर, मैं तेरे को अच्छी लोंडिया ढूंढ के लाऊंगा। अरे अब्बा तू क्या लोंदिया देखेगा, तुझे दहमत बताने के लिए लोंदिया मैंने खुद ही ढूंढ ली है। कौन है? कट्टो बोली अत्ती ललती है अब्बा। कट्टो? अबे कैसी लड़की है, कैसा खानदान है? अब्बा ये तो मिले तो खुद भी नहीं पता, आज ताम पाल में मिलने डालूं पहली दफा। फुल टाइम रिफाइनरियां चल रही है, फुल टाइम। मैं भी सोचूं कि मेरे बेटे का ध्यान किधर बटा हुआ है। अरे नहीं अब्बा, बस फोन पर धोती हुई थी, आज पहली दफा मिलने डालूं, बताता हूँ आपको डिटेल आगे। फिर चल ठीक है, तू नाश्ता कर। क्या डिटेल में बताऊं क्या पहली मुलाकात के बारे में, कहां मिला, क्या कहता है और पहली नजर में? अरे बेशरम बेशरम, माँ को अपने इश्क की लोक दास्तान नहीं सुनाएगी अब। शर्म कर, मेरा दिल कर जूती उतार के तेरे मुंह पे मारूं। मैं कहां लोक दास्तान सुना रही हूँ, खुद ही कुरेदने की पड़ी है। क्या कहता है, क्यों शादी करना चाहता है? जबकि तुझे पता है कि सारा कुछ तेरा ही है, तो कौन सिखा पढ़ा रहा है तुझे? कोई सिखा पढ़ा नहीं रहा, वो तो बस मैं वैसे कह रही थी। शादी के बाद मकान जहेज में लेकर जाऊंगी तो ससुराल में अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा ना। वाह ससुराल बड़ा अमरीका से आया तेरा, लड़का ग्रीन कार्ड लेके आया तेरे लिए, वो हमसे भी ज्यादा गरीब है कमबख्त। गरीब है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं शादी करूंगी तो वहीं करूंगी बस। तूने ऐसे पकड़ा मुझे कोई चीज, सुन लो मैं भी नहीं खाऊंगी। मनहूस मारी कट्टो, नाश्ता ले आ बेटा, बहुत जोर की भूख लग रही है, मैंने जाना भी है, कहाँ रह जाती है। आय हाय 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 हाय, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बा मैं तुमसे सवाल पूछूं? ये ना पूछा करके सवाल पूछूं, पूछ लिया करके सवाल क्या, पूछती है तो अजीब सा लगता है, पूछ। अब्बा वो अगर तुमसे कोई कहे कि तुम अपनी बेटी के ऊपर है ना एक ऐसे लिख, ऐसे पता है ना क्या होता है, जो एक टॉपिक पर है ना एक मजमून लिखते हैं ना छोटा सा, उसको कहते हैं ऐसे 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 बेवकूफ। माशाल्लाह अकलमंद होती जा रही तू है, वाकई तो अकलमंद हो गई है, लेकिन तेरा बाप इतना जाहिल भी नहीं है कि ऐसे नहीं समझता कि ऐसे क्या होता है। तो अगर तुमसे कोई कहे कि तुम अपनी बेटी के बारे में जो है वो छोटा सा ऐसे लिखो नहीं ऐसे बोलो, तो तुम उसके बारे में कैसे बोलोगे ऐसे? बात ये है कि मैं तेरे ऊपर ऐसे लिख भी सकता हूँ और ऐसे सुना भी सकता हूँ, लेकिन ये जो छोटे की शर्त रख रही है ना तू, छोटा सा ऐसे लिखा नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि माशाल्लाह मेरी बेटी में इतनी खूबियां हैं, इतनी अच्छाइयां हैं, जब लिखने बैठूंगा तो समझ नहीं आएगी कि यार ये चीज लिखूं ये चीज छूट गई, ओ हो वो भी लिखना है ये भी लिखना है, इतना लिखूं कितना लिखूंगा भाई।